नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आप हमें देख रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, जैसे कि पीएमई विद्या चैनल नंबर 9 पर, साथ ही आप हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या क्लास 9 चैनल के माध्यम से। बच्चों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं। जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत इन्जॉय करते हैं मैथमेटिक्स, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है। लेकिन फिलहाल बात करना चाहूंगी आज किस विषय पर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। सो क्लास 9th के लिए आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर सिस्टम, और इसका पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी हम सभी के साथ साझा करने के लिए हमारी आज की एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मिस बीना प्रकाश हमारे साथ हैं। आप सीनियर पीएचडी मैथमेटिक्स हैं फ्रॉम कैंपियन स्कूल भोपाल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू नेहा जी। नमस्कार मैम। ग्रीटिंग टू ऑल माय लर्नर्स। ऑल राइट लिसनर्स एंड व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स एंड द टॉपिक दैट वी हैव पिक्ड अप फॉर यू टुडे इज नंबर सिस्टम 1। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिगार्ड टू दिस टॉपिक, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, सच एज यू कैन कॉल अस ऑन आर टेलीफोन नंबर विच इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। द नंबर इज 8800440559। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन इवन राइट टू अस एन ईमेल। द ईमेल आईडी इज also there on the screen, dth.class9@ciet.nic.in. And now it's time for us to head to our expert of the day, Beena ma'am, and let us understand in detail today's topic, number system. Over to you, Beena ma'am. Thank you Neha ji, but aapne jo introduce kiya tha usse mujhe bhi dar lag gaya ki numbers से हम कैसे डरेंगे। नंबर्स तो हमारे दिन में दिन रात चलता है नंबर्स, इससे ही अगर हम डर जाएंगे। मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट हमें डरने वाली बात नहीं है, हमको बहुत सारे लॉजिकली अलर्ट करता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। तो मैं चाहूंगी कि क्लास के बाद आपको मैं जैसे समझा रही हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि आधे लोगों का डर हट जाएगा। बिल्कुल मैम, यही होना चाहिए। क्लास के बाद मेरा बिल्कुल मैथमेटिक्स का जो डर है वो ख़त्म होना चाहिए। साथ ही जितने बच्चे अगर हमें देख रहे हैं उन्हें अगर मैथमेटिक्स से थोड़ा भी डर लगता है तो वो डर बिल्कुल दूर हो जाएगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो नंबर्स, जैसे आपने कहा नंबर्स, हम डेली लाइफ में नंबर्स कितनी बार, हर समय सुबह उठते साथ ही हम नंबर्स से ही स्टार्ट करते हैं, टाइम से उठते हैं, वो भी एक नंबर है। सो दीज आर ऑल नंबर्स, बट नंबर्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे आपसे मैं पूछूंगी कितने एप्पल्स हैं, हेलो, यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, कितने एप्पल्स हैं, नंबर बता दिया आपने 3 जी, है ना जी। अब आप बताओ ये जो है, ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ पिज्जा, पार्ट ऑफ पिज्जा, एक पिज्जा का स्लाइस बना कर रखा है, तो आपको ये बाइफोकेशन से क्लियर दिख रहा है शायद कि इसको 6 पार्ट्स, अगर ये पार्ट मैं रखूंगी अपने पास तो मैं कितने पार्ट रखी हूँ इसमें से, आपने 6 में से 1 पार्ट अपने पास ले लिया है, और कितने पार्ट में से, 6 पार्ट में से 5 आर रिमेनिंग, 5 आर रिमेनिंग, दैट इज टोटल पार्ट्स कितने किए थे अपन ने, 6 पार्ट किए थे, उसमें से मैंने एक पार्ट रख लिया, तो मेरे पास वाला पार्ट को मैं कैसे लिखूंगी, 1 on 6, 1 out of the 6, राइट। तो ये अलग तरीका लिखने का। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए इस वाले में आपको करेंसी नोट दिख रहे हैं, कुछ कॉइन्स दिख रहे हैं, yes, तो करेंसी नोट ये रुपीज 5 का है, ये 2 रुपीज का है, ये 3 रुपीज का है, और ये 50 पैसे है, एंड दैट इज 25 पैसे। तो ये अगर मेरे पास, मेरे पर्स में इतने पैसे है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि मेरे पास कितने पैसे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, we'll ये टोटल ऐड कर, यस 8 रुपीस एंड 50 पैसे एंड 25 पैसे मिला के 75 पैसे लिखे हैं, तो हम लिखेंगे कैसे, 8 रुपीस 75 पैसे, तो रुपीस 8 एंड 75 पैसे लिखने का तरीका ये है। तो ये नंबर लिखने का तरीका अलग है। अब आप दूसरा देखें, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे कुछ वे कर रहे हैं, हम उसका वेट निकाल रहे हैं, तो एक पैन में कुछ आलू डाल कर रखे और इसके नीचे एक नंबर लिखा है,
इसमें लिखा है वन, लिखने का तरीका ऐसा है 1.026 के आसपास। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो आलू है इस कंटेनर में उसका वेट है 1.026 किलोग्राम्स। ठीक है, ये किलोग्राम्स में है, तो 1 kg 226 ग्राम्स है। तो ये सब लिखने के तरीके हैं। तो ये जो तरीके लिखे हैं इसके अलग अलग सिस्टम में लिखे जाते हैं, वो ही हमें देखना है। तो स्टार्ट विथ, जैसे आपने, मैंने कहा था ये कितने एप्पल्स हैं, तो आपने काउंट करना शुरू कर दिया 1 2 3। तो दीज नंबर्स दैट वी सी हियर दे आर नोन एज काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, दे आर काउंटिंग नंबर्स। इसका रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल लेटर एन, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट इज, यहाँ एक और नंबर एड ऑन हो गया है, दैट इज जीरो। 0 1 2 3 4 दैट इज नोन एज होल नंबर, दैट इज, ये डॉट डॉट का मीनिंग, इट गोज ऑन। इस तरह से आगे के नंबर्स भी लिखते जाइए। एंड इसका रिप्रेजेंटेशन है W। एंड नेक्स्ट वी हैव, इसके नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स हैं कि जिस तरह से हमने ये नंबर्स लिखे उसके नेगेटिव नंबर्स, दैट मीन्स कुछ नंबर्स पॉजिटिव होते हैं कुछ नंबर्स नेगेटिव होते हैं। ये सब हम अपने लाइफ में डील करते हैं। अब पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स कहाँ डील किया होगा, याद करके देखो बच्चों। आप लोग भी कहीं लिफ्ट में चढ़ते हैं, कहीं बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर से चढ़ते हैं, अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये आप ऊपर जा रहे हैं तो प्लस 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 जाते हैं। अगर जिस फ्लोर से आप एंटर कर रहे हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर से एंटर कर रहे हैं, आजकल के मॉल्स वगैरह में नीचे वाले भी फ्लोर्स बहुत सारे हैं, तो उसमें जाने तो आपको दिखेगा वहां पे एस्केलेटर वगैरह में लिखा -1 -2। तो वॉट डज दैट मीन, दैट इज ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप इस पोजिशन में खड़े हैं, आप इस पोजीशन में खड़े हैं, आपसे कहा जाएगा कि आप 4 स्टेप फॉरवर्ड लीजिए। तो 1 2 3 4, 4 स्टेप्स फॉरवर्ड ले लिया, आप इस पोजीशन में पहुंच गए। अब आपको मैं बोल रही हूं कि आप 8 स्टेप्स पीछे चलिए। तो 8 स्टेप्स पीछे चलने के लिए 1 2 3 4, अब उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, 5 6 7 8, आप नेक्स्ट डायरेक्शन में पहुंच गए। तो ये दो अलग अलग पोजिशन है, पहले आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए फिर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन प्लस साइन है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन माइनस। सो दैट मीन्स वी हैव नाउ नेगेटिव नंबर्स, एंड नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स अलॉन्ग विद द जीरो, इन सब को बोलते हैं इंटीजर्स। एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है जैलिन, उसको यूज किया है जेड रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इज वो फ्रैक्शन देखा था ना हमने पिज्जा का, 1/6। 1/6 मतलब दैट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। जैसे ये लिखा है मैंने 7/4, 6/11, -17/6। इसके अलावा देखिए 1.2, 1.2 एक्चुअली 12/10 होता है, विच इज 6/5। तो फिर वापस इसी फॉर्मेट में आ गया, इट इज सेम एज दिस फॉर्मेट, इट इज सेम एज दैट फॉर्मेट। तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग एंड दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली क्यू से होता है, क्यू स्टैंड्स फॉर कोशेंट। कोशेंट वर्ड कहाँ यूज होता है, व्हेन यू डिवाइड, दैट इज 7/4, एंड इट इज एक्चुअली रेशियो, रेशियो से आया है ये वर्ड। तो दिस इज अनदर सेट ऑफ नंबर्स। तो ये नंबर्स को हमें, नंबर सिस्टम को वी टेक अप इन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन है, वी हैव मार्क, डिवाइड दिस नंबर लाइन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ये पार्ट है, दिस इज 1 पार्ट 2 पार्ट नंबर्स है। तो दीज नंबर्स दे आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ऐसे जीरो एड ऑन करेंगे तो दैट गिव्स अस होल नंबर्स। देन वी हैव नेगेटिव नंबर्स, दैट इज इंटीजर्स। एंड फाइनली पार्ट ऑफ इट, दैट इज 1/4, 3/4, दे आर रैशनल नंबर्स। ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह अभी हम करेंगे। तो लेट अस स्टडी फर्स्ट द रैशनल नंबर्स। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स, अभी जैसे दिखाया था, वी हैव इट इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, दैट इज 5/2, इन द रेशियो फॉर्म 5/2। यहाँ मैंने एक नंबर लाइन बनाया है इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। वाई, बिकॉज वी टेक दिस पॉइंट, दैट इज यू हैव, we have, let me have this as zero here,
then I'm equally dividing this number line into different points. देखिए तो ये जो points जो है mark करेंगे तो this is on the right side of zero. It is marked as 1, 2 and 3 and so on. Left side में it is minus 1. Now the meaning of 5 upon 2 means each division को हम 2 parts में divide करेंगे. We'll divide each division into 2 parts. अब देखिए 2 parts में divide हो गया. I'm dividing each into 2 parts. देखिए this is first part from between 0 to 1. Likewise, 1 and 2 के बीच में भी divide कर दिया मैंने. And 2 and 3 के बीच में भी divide कर दिया. Next को भी divide कर दिया. Likewise, left side में भी divide कर दिया. Now, what does 5 upon 2 stands for? Fifth part of these divisions. The fifth part of these divisions, कहां पहुंचेंगे अपन? This is one part. This is second part, third part, fourth part. And this is the fifth part. So, this represents 5 upon 2. ठीक है? अब आप देखिए 5 अपॉन 2 एज आई सेड कोशेंट. कोशेंट मीन्स क्या होता है? देखिए मैं कैलकुलेटर निकाल के दिखा रही हूँ आपको. 5 डिवाइडेड, कैन यू सी दिस? 5 डिवाइडेड बाय 2, क्या नंबर दिख रहा है आपको? 2.5. दैट मीन्स ये नंबर जो है दिस इज इक्वल टू 2.5. 2.5 का मीनिंग क्या है? 2 एंड हाफ अटैच टू इट. 2 होल एंड हाफ अटैच टू इट. ये देखिए यहां तक 2 होल में आ गया. देखिए एंड बिटवीन 2 एंड 3 का हाफ, एग्जैक्टली मिड पॉइंट. सो इजंट इट टू दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 2 एंड अ हाफ लेंथ. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट 5 अपॉन. ठीक है, नेक्स्ट इज 3 ऑन 5. 3 ऑन 5 मींस अगेन 0 ले लेते हैं हम. लेट्स वर्क आउट, दिस इज 0, देन यू हैव 1 2 3, 4, 5 and so on, major divisions. And each division now has to be divided into 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now, isme what is to be marked? 3 out of it. So, take up the third division. Ye dekhi, third division. This represents 3 on 5. Fine? Now the next number that we have is minus 21 on 26. It's minus 21 on 6, which actually is a minus 7 upon 2, kyunki we have a common factor. 21 is 3 and 7 and 6 is 3 and 2. So there is a common factor between the two, numerator and denominator, which gets cancelled and finally you get minus 7 upon 2. So, ye jo number hai, this is a negative number. So, this number will be on the left side of 0. So, hum left side of 0 ke liye jyada division le lete hain. So, right side mein, we'll take lesser number of points. 1, 2. On this side, let's take minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4. Fine. Now, as usual, each has to be divided into half. There are two parts each division. So, let's count the seventh division from here. So, it is on the left hand side. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Can you see that point? Ye ek point. This actually represents minus 7 upon. Fine. So, this is a type of number which we have seen is marked on the number line. Now, 8 upon 5. 8 upon 5 ka bhi dekhiye. What will that number be? 8 upon 5. It is 8 divided by 5. When you take up in the decimal form, we see that it is 1.6. This is nothing but 1.6. So, ye jo fraction number tha, usko maine ek dusre number ke form mein convert kar diya. That's known as decimal number. So, that we get by dividing 8 by 5. Theek hai? So, this is what you get. The next number you have is 7 upon 4. So it is 7 upon 4. So 7 divided by 4. So iska bhi answer kya dikh raha aapko? This is 1.75. This is 1.75. Previous number aur is number mein kya difference hai? Number of number or digits after decimal is increasing. Ab aap 5 upon 8 ko bhi dekh lijiye. 5 upon 8. This is 5 divided by 8. So what we get is 6
0.625. This is, अब देखिए इसका अगेन 0.625, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज इंक्रीजिंग. अब इस नंबर को देखिए, लेट सी दिस नंबर 11 ऑन 6, इट इज 11 11 अपॉन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स अस. अब आप देखिए यहां पे व्हाट इज सीन, कि कैलकुलेटर में इतना स्पेस था बट ऑल द स्पेसेस कंटिन्यूअसली रिटन, यू सीन दैट 3 इज रिटन आफ्टर 8. व्हाट इट मींस, ये दिस मीन्स दैट ये जो नंबर है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन, ये जहां तक लिख सकते हैं आप जाएंगे. तो दिस कंटिन्यूज, वेर एज यहां इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 प्लेसेस, इट स्टॉप्ड आफ्टर 2 प्लेसेस. सो ये चीजों का डिफरेंस आपको दिखेगा विद डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइजर्स. आपने पहले, हमने 4 लिया था, so we got it as we have it terminating, that is we term it as terminating. 11 divided by 7 is this number 1.5, it's 1.5714 उसके बाद यू विल फाइंड दैट दिस इज रिपीटिंग 4, 2, 8, 5 एंड इट रिपीट्स. दैट इज दिस सेट ऑफ नंबर्स इट रिपीट्स, दिस सेट ऑफ नंबर इट रिपीट्स. सो दिस इज व्हाट वी सी दैट व्हेन यू रीराइट दैट एक्सप्रेशन इन फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म वी फाइंड दैट देर आर सर्टन नंबर्स विच विल टर्मिनेट, सर्टन नंबर्स विच डू नॉट टर्मिनेट. बट अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो इट इज एक्चुअली रिपीटिंग. सो दैट मीन्स आर रैशनल नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल नंबर्स आर इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहाँ दिखे आपको, आपको कहाँ कहाँ दिखा टर्मिनेटिंग डेसिमल? डिवाइडेड बाई 8 में दिखा, डिवाइडेड बाई 4 में दिखा, डिवाइडेड बाई 5 में दिखा. सो वॉट इज कॉमन इन ऑल दिस, वो हमें समझना है. Divided by 5 में actually we have divided by 5, we can convert this into divided by 10 by introducing 2. So that becomes 16 on 10 which is 1.6. 7 upon 4, it has 2 factors of 2, 7 upon 4 is 2 factors. So let's introduce 2 factors of 5. It's multiplied by 5 multiplied by 5 and that gives us 175. This 25 on 4 is 100. So dekhiye decimal representation easy ho gaya. But on the other hand, this is 11 upon 6 which has factored 2 and 3. 2 ke saath let's multiply by 5, you get a 10. This 2 together gives us 10. अब आप 3 के साथ क्या करेंगे, वॉट अबाउट दिस नंबर 3? 3 मल्टीप्लाइड बाय नो नंबर विल गिव अस अ 10, इट विल नॉट बी देयर. दैट इज 3 के मल्टीपल में वी विल नॉट कम अक्रॉस 10, विच सेज दैट दिस 3 विल रिमेन इन दिस एक्सप्रेशन एज सच एंड दैट गिव्स अस अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. So when do we find the terminating decimals? We find the terminating decimals only when the factors are either 5 or 4 or both or 5 and 2. That's it. ठीक है, इसके अलावा कोई भी decimals representation जो रहेगा it will not be a terminating. So बोलते terminating. Now let us consider this fact, a rational number 33 upon 12 में it is 3 is common in the numerator, it is 3 multiplied by 11, denominator also has 3, so it is 3 multiplied by 4, so there is a common factor 3, it gets cancelled and you get it as 11 upon 4. Now that is again equated, I have written equal to something else. Now when you see this you will find that this is multiplied by 4 and you get this number. It is further equated, what does that say? Further, इसको यहां से we can write it here. Multiplied by 5, you get that result. So what are we doing? We are writing
rational numbers equivalent to this rational number. And how many such numbers can be written? As many as you can. It goes on. आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यू विल गेट इन अ डिफरेंट रैशनल नंबर विच विल बी सेम इक्वलेंट टू 11 अपॉन 2. एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर 24 ऑन 14. इट इज 72 ऑन 42. यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, यू गेट द आंसर. वेर एज यू डिवाइड इट बाई 6, डिवाइड बाई 6, यू गेट 12 ऑन 7. सो दे आर ऑल इक्वलेंट टू, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. So hence, we have to redefine the definition of, these are all known as equivalent rational numbers. So now we redefine the rational numbers. Rational numbers ko kaise define karenge? A number which is written in the form of P upon Q, where P and Q are integers. They have to be integers. One very important information is they have to be co-prime. Co-prime means there is no common factor other than one. One is the only factor that is common to both. आपने ये जितने भी rational expression के देखे, we have taken up in the simplified form. And the simplified form, जैसे यहाँ पे 12 upon 7 है. 12 upon 7 is the simplified form. Here 11 upon 4 is the most simplified form. So in दोनों में, you will find that 11 and 4 में there is no common factor. 12 and 7 mein there is no common factor. So they are co-primes. So that is the way to write any rational number. Fine? So now we have seen that a rational number when written in the form of, ye pura number system ka definition hai. Ab aap dekhiye, ye sabse innermost oval jo shape hai, it is natural numbers containing numbers 1. आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सेशन चल रहा है, हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इस सेशन को वाइंड अप करें और हमारे बच्चों को एक समरी बताएं आज का जो हम सेशन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में. हाँ, नंबर सिस्टम में यही है कि हमारा बेसिक सबसे स्मॉलेस्ट सिस्टम में जो है वो नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, ये डायग्राम दिख रहा है आपको. और उसके बाद देन वी ऐड वन नंबर मोर, दैट इज होल नंबर. उसके बाद नेगेटिव नंबर्स, दैट इज नोन एज इंटीजर्स. उसके बाद फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, दे ऑल कम अंडर दिस सेट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर. सो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जीरो जो एक नंबर है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? आप जीरो को किस में लेंगे? अब आप इसमें क्लियरली दिख रहा है, जीरो इज इन बिटवीन दिस टू सेट्स, दिख रहा है ना, ये दोनों सेट से अलग है, जीरो बीच में है. तो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज जीरो एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर? इवन नंबर किसको बोलते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ टू. कैन यू राइट इट एज अ मल्टीपल ऑफ टू? It is or divided by 2. Can you divide this number by 2? Yes. So this is again a even number. So this 0 is considered as an even number. It is neither positive nor negative. ठीक है? आप quickly एक question देख सकते हैं क्या? Every whole number is a natural number. आपसे ये question है कि prove करना state is it true or false? Is every whole number? The explanation is absolutely fantastic. आप बहुत डिटेल में और सिंप्लीफाइड तरीके से आप बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन समय की पाबंदी है, इसीलिए हमें आज का ये सेशन यहीं वाइंड अप करना होगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, वी लव द सेशन. थैंक यू सो मच मैम. लेकिन बच्चों, आप कहीं ना जाएं, हम अभी भी आपके साथ हैं. आपको चलते चलते आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक रूपरेखा हम बताना चाहेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. आगे कुछ कार्यक्रम जो प्रसारित होने वाले हैं उनके बारे में, जैसे कि 3 बजे आप देखेंगे क्लास 10th के लिए विषय रहेगा साइंस का और टॉपिक होगा हाउ डू ऑर्गेनिज़म्स रिप्रोड्यूस. उसके बाद आप 3:30 पर क्लास 10th के लिए अगेन इंग्लिश का लेसन देखेंगे, जिसमें आज एक पोएम आप पढ़ने वाले हैं फॉर एनी ग्रेगरी विषय रहेगा. इसके अलावा आप सेशन देख पाएंगे शाम 4 से 5 बजे के बीच में क्लासेस 6 to 12 के लिए. आप इंग्लिश का विषय आज देखने वाले हैं, जिसमें आपका रहेगा पेरेंटिंग कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग. और इसी तरीके से आगे भी कार्यक्रम प्रसारित होते रहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से. पीएम ई विद्या चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, और आगे भी आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस बात की मुझे पूरी आशा है. और आज मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा, मैं जानती हूँ कि मेरा भी डर खत्म हो गया है, और आपका भी कोई अगर सवाल
रह गया है तो वो आप हमसे हर कार्यक्रम में पता कर सकते हैं। फिलहाल मेरे जाने का वक्त है, अगले सेशन में आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और यूं ही जानकारी एकत्रित करते रहिएगा हर विषय से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार।